अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मेरा प्रिया। दोस्तों के जैसा कि आप सब लोग मेरे पास लोग बहुत पूछ रहे हैं कि यार कि पाकिस्तान जो है वो लोग सब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं जाएगा अभी भी कल के तीनों मैच के बाद, क्योंकि हमने तो कल तीनों मैच चाहे थे कि तीनों मैच एशिया की टीमें जीतें, मगर इंडिया वालों ने अपनी दिखा दी, अपनी एक्टिंग ड्रामाबाजियाँ करके और पाकिस्तान को मैच अब खुद तो हार गई। इसका मतलब यही था, साफ जाहिर था जिस तरह ये लोग खेल रहे थे कि भाई जो है वो पाकिस्तान मैच को पाकिस्तान को यहाँ से बाहर करें, तो उनकी एक्टिंग से ही सब पता चल रहा था, आप देख सकते हैं। कि भाई किस तरह की एक्टिंग ये कर रहे हैं, कि ये छोड़ रहे हैं, रन आउट छोड़ रहे हैं, तो इंडिया ने तो अपनी दिखा दी भाई, ठीक है। मगर अब भी अगर कोई चांस है कि पाकिस्तान, लोग बोल रहे हैं जाएगा, बारिश होगा, तो भाई पहले तो हम मैं तो चाहूँगा कि भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाए, क्योंकि ये लोग इस चांस को डिजर्व करते ही नहीं है। क्यों कि ये लोग इस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप वर्ल्ड कप के लिए लोग भेज रहे हैं, प्लेयर भेज रहे हैं, तो आप इस तरह के लोग भेज रहे हैं जिनको पहले ही वो एशिया कप में फेल हो चुके हैं, तो उनको क्यों दोबारा भेज रहे हैं भाई? कोई नए बैट्समैन जो अच्छे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको भेजो, अब इनको क्यों भेज रहे हो? तो अब आप दुआओं के लिए और उसके बाद आप चांस मिले आपको, मैं तो नहीं चाहूँगा। फिर भी हमारा दिल करेगा, हम बोलेंगे चलो यार हमारी टीम है, हम बोलेंगे भाई चलो भाई चले जाओ, अच्छा है चलो हमारी टीम है, हम इतने दिल से हमारे जज्बात हैं ये वो क्रिकेट के लिए, सब लोगों के, मेरे नहीं सबके। मगर क्या अब क्या चांस बचा है? जो चांस सबको सिंपल सा चांस है, चांस ये है कि भाई देखो नीदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को आ रहा है, ठीक है, और इंडिया को बांग्लादेश आ रहा है, और पाकिस्तान जो अभी दो मैच बाकी हैं बांग्लादेश से और साउथ अफ्रीका से, वो दोनों बड़े मार्जिन से जीते तब जाके पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। अब ये दोनों नामुमकिन ही है अभी तक के हिसाब से, जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग चल रही है, जो नीदरलैंड के सामने भी आप लोगों ने देख लिया होगा, तो ये चांस है भाई। अगर इस चांस के मुताबिक अगर पाकिस्तान पहुंच सकता है तो पहुंच जाएगा भाई, मिलेंगे अगले उसमें।